Hey guys, welcome back to my channel. That's called a girl or main hu Kanksha. So guys, in today's video, I'm going to review Wow Skin Science Aloe Vera Foaming Face Wash. So guys, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि मुझे इसे यूज करते हुए अभी करीब 20 से 25 दिन हो गए हैं और मुझे लगा इससे पहले कि ये फेस वॉश खत्म हो जाए मुझे इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर देना चाहिए. सो गाइज, इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा. आपको इस वीडियो में कुछ क्लिप्स देखने के लिए मिलेंगी मेरे फेस की, जब मैंने सुबह सुबह सारी क्लिप्स जो है वो मैंने सारी की सारी कंसिस्टेंट होने की, ताकि मैं कंसिस्टेंट रहूं, सिर्फ उसे सुबह में मैंने शूट की है कुछ क्लिप्स जब इस फेस वॉश के बाद, ताकि आपको पता चल जाए एकदम क्लीन कर देता है ये आपके फेस को, एकदम ब्राइट मतलब ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है. जब आप धो के आते हो ना, अपना फेस एकदम क्लीन लगता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है. उसके साथ साथ अभी जो आप देख रहे हो, मेरे फेस पर कोई मेकअप नहीं है, कुछ नहीं है. अभी अभी जस्ट मैंने इस फेस वॉश से अपना फेस वॉश किया. कोई काजल नहीं है, कोई लिपस्टिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, इवन कोई मॉइस्चराइजर भी नहीं है. अगर मैं अपनी स्किन केयर रूटीन की बात करूं तो ये जो एलोवेरा वाला जो वर्जन है वाओ स्किन साइंस में, एलोवेरा वाला पूरा का पूरा एक स्किन केयर लाइक रेंज आई है, जिसमें से मेरे पास तीन प्रोडक्ट है. तीनों के तीनों मुझे बहुत अच्छे से सूट किए हैं और मतलब मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे हैं. इनमें से पहला है ये फेस वॉश, दूसरा है ये वाला फेस पैक स्लीपिंग पैक, और तीसरी है ये वाली एलोवेरा वाओ स्किन साइंस एलोवेरा विटामिन मल्टी विटामिन फेस क्रीम. तीनों का, इन दोनों का मैं ऑलरेडी सेपरेट रिव्यू कर चुकी हूँ. आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा अगर आपको देखना हो. और इस वीडियो में इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी, डेमो देके दिखाऊंगी. तो आपको छोटी सी टिप देना चाहती हूँ कि ये एक फोमिंग फेस वॉश है. इसकी जो बॉटल है नीचे, इसमें लिक्विड है, लेकिन जब आप इसे यहाँ से प्रेस करते हैं तो फॉर्म निकलते हैं. आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ तो मैकेनिज्म हो रही है जो कि फॉर्म क्रिएट करती है. तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें ना आपको इनबिल्ट एक ब्रश मिलता है जो किस तरीके से आपकी हेल्प करता है. ये पहली तरीके से इस तरह हेल्प करेगा कि अगर आप इसका कंटिन्यूअसली आप इसे यूज करेंगे तो आपको ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स नहीं आएंगे. आपको अगर कितनी भी ज्यादा भी आते हो ना, तभी भी ये आपको आने नहीं देगा, तो आपको स्क्रब यूज करने की जरूरत नहीं है. उसके साथ साथ ये आपको पोर्स तक आपकी स्किन को क्लीन करता है, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से क्लीन नहीं करता. बिकॉज ऑफ दिस सिलिकॉन टिप वाला जो आपको ये ब्रश मिल रहा है ना, इसकी वजह से आप अगर सर्कुलर मोशन में अपने चीक्स पे इसे रगड़ेंगे, मतलब बहुत जेंटल हाथों से, वैसे ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, तो ये आपको के पोर्स को भी क्लीन कर देता है. इस वजह से क्या होता है कि आपको कि पिंपल्स को भी रोकता है. जो आपका एक्स्ट्रा सीबम होता है जब आप हाथ से फेस वॉश करते हो, या फिर जो फेस वॉश सिर्फ ऊपर ऊपर की परत, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से आपके फेस को क्लीन करते हैं ना, अंदर तक नहीं जाते, पोर्स को क्लीन नहीं कर पाते और आपकी स्किन ऑयली हो, तो आपको पिंपल आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. तो इस वाले फेस वॉश के साथ एटलीस्ट मुझे इसने कोई भी ब्रेकआउट नहीं दिया. उसका एक रीजन ये भी है कि ये आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन करता है, अंदर तक जाके क्लीन करता है, मतलब एक लेयर अंदर जाके क्लीन करता है, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं हटाता है कि सिर्फ ऊपर से इसने हटा दिया है. उसके साथ साथ ये सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है. इसका जो प्राइस है वो है 399 रुपीज, लेकिन आपको हमेशा वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स पे ऑफर मिलता रहेगा. बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. 2 साल इसकी शेल्फ लाइफ है. 100 ml आपको क्वांटिटी मिलती है. न्यूली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है. इसके साथ साथ इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है. नो सल्फेट, पैराबिन, सिलिकॉन और एडेड कलर. इसकी जो स्मेल है बहुत ज्यादा प्यारी है. अगर आपने इसका स्किन एलोवेरा का कोई फेस पैक, या तो ये स्लीपिंग पैक हो या फिर कोई पील ऑफ कोई भी अगर यूज किया होगा, तो इनकी स्मेल ना ऑलमोस्ट सेम है, मतलब बिल्कुल सेम है. अगर इनकी इंग्रेडिएंट की बात करूं तो इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ. इसमें है एलोवेरा लीफ एक्सट्रैक्ट, हिलोरानिक एसिड, प्रो विटामिन B5, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, कैलेंडुला फ्लावर एक्सट्रैक्ट, क्यूक्यूम्बर एक्सट्रैक्ट, जो कि आपकी स्किन को क्लीन करता है, टोन करता है और इसके साथ साथ हाइड्रेटेड भी रखता है और बहुत ही ज्यादा सूथिंग इफेक्ट देता है. ये क्लेम कर रहा है. अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसने मुझे सबसे पहली बात है कोई ब्रेकआउट नहीं दिया. मेरी स्किन को अच्छे से इसने हाइड्रेटेड रखा है. जब ये आपकी स्किन, मतलब जब आप इसे धो के आते हो तो ड्राई तो फील होता है, आपको मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत तो पड़ेगी, बट बहुत ज्यादा ड्राई नहीं करता है. लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मुझे लगता है कि आपको मॉइस्चराइजर मस्ट है. मतलब कोई फेस वॉश के बाद मैंने ये फील किया कि मॉइस्चराइजर मस्ट है, अदरवाइज आपकी स्किन ना बहुत ज्यादा खिंची खिंची लगने लगती है. आपके जो, अगर आपके चेहरे पे कोई स्पॉट्स है ना, उसे फेड आउट करने में हेल्प करता है. जैसे कि मेरे फेस पे जो स्पॉट्स हैं, काफी हद तक इसने फेड कर दिए हैं. तो मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है कोई भी अपना बेसिक स्किन केयर रूटीन का आइटम चेंज करने में, वो ये होता है कि मुझे कोई ब्रेकआउट नहीं मिल जाए. तो गाइज, ये वाला जो फेस वॉश है, जैसे मैंने आपको बताया, मेरी स्किन अब बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है, मुझे बहुत अच्छे से सूट किया है. इसका ये भी फायदा है कि कोई मुझे स्क्रब यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्रब लोग
कौन सा लो, वो सूट करे नहीं करे, ये सब झंझट से खत्म। आप एक फेस वॉश ले ले जो कि जिसमें बिल्ट इन ब्रश हो, एंड दैट्स ऑल। तो चलिए अब बढ़ते हैं लाइव डेमो की तरफ, और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि एकदम इसने मेरे फेस को क्लीन कर दिया, कितना क्लीन किया, कैसे ये काम करता है, कैसे काम नहीं करता, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाना चाहूंगी मेरे फेस की, इस फेस वॉश से, फेस वॉश करने के बाद की। सो गाइज, मेरी साइड से ये जो प्रोडक्ट है वो आपको हाईली हाईली रिकमेंडेड है, 1% भी मुझे इसमें डाउट नहीं है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो आप जरूर से ट्राई कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्लिप्स की तरफ, लाइव डेमो की तरफ।